Hello everyone, welcome back to my channel. I am Subhasri and you are watching me on my YouTube channel Subhasri's Vlog. आज का वीडियो कोई डेली ब्लॉग नहीं है या फिर मैं किसी जगह पर नहीं जाने वाली हूँ. आज का वीडियो एक शॉपिंग वीडियो है, शॉपिंग हॉल आप बोल सकते हो. मैंने मीशो से कुछ चीजें परचेज किया था तो अभी मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी एंड सबसे लास्ट में आपको एक फ्लिपकार्ट का भी एक चीज दिखाऊंगी जो कि बहुत ही अच्छी है, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ इसी वीडियो में. मैंने कुछ चीजें एक्चुअली मीशो से ऑर्डर किया था. आजकल तो आप सब जानते हैं कि मीशो से बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग परचेज करते हैं और मैं भी करती हूँ. ये मीशो से मेरा शायद 6 या 7 टाइम मैंने ये परचेज किया है मीशो से, तो मीशो का प्रोडक्ट मुझे अच्छा भी लग रहा है एंड रिजनेबल प्राइस है. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें शिपिंग चार्ज नहीं है जो कि दूसरे वेबसाइट में है. मतलब आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से 499 के नीचे अगर आप परचेज करोगे तो उसमें आपको शिपिंग चार्ज लगेगा. एंड फ्लिपकार्ट में, मिंत्रा में, सब में आपको शिपिंग चार्ज लगता ही है. लेकिन मीशो में अगर आप एक प्रोडक्ट भी परचेज करोगे चाहे वो 100 रुपीज का हो लेकिन शिपिंग चार्ज उसमें नहीं लगता है. इसलिए मैं मीशो से ही चीजें परचेज कर रही हूँ आजकल. ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने लिए परचेज किया है, मैं आपको वन बाई वन आपको दिखाऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो सबसे पहले जो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये एक नेकलेस सेट है जो मैंने परचेज किया था मेरे खुद के लिए, मेरे एक साड़ी के साथ मैचिंग करके, और इसको मैंने खोल लिया है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ. पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की. तो आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले तो ये जरी है, इसके अंदर आया था ऐसा एक बॉक्स एंड इस बॉक्स के अंदर ऐसे बबल रैप में, जैसे कि नॉर्मली आप अगर ऑनलाइन से कुछ भी ज्वेलरी परचेज करते हो तो ऐसे ही पैकेजिंग में आता है. तो ऐसा एक बबल रैप में उसके अंदर जरी के अंदर ज्वेलरी है. तो अभी मैं आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ. सबसे पहले मैं आपको नेकलेस दिखाती हूँ, आपका मतलब दिल खुश हो जाएगा नेकलेस देख के. ये देखो, यह नेकलेस पास से भी देख लो कितना सुंदर है ना. बहुत मुझे तो बहुत पसंद आया. मतलब ये चीज इतना अच्छा मुझे रिसीव हुआ है ना, मैं तो पहले सोच रही थी कि ऑर्डर करने से पहले कि इतना कम दाम है, पता नहीं चीज कैसे आएगा, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया. इसका जो कुंदन वाला स्टोन है ना, मैं आपको दिखाती हूँ पास से. ये देखो, ये जो कुंदन वाला स्टोन है मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा है. एंड मतलब बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है, इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया. आपको मैं नेक के पास भी रख के दिखाती हूँ कि ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना नेक के पास, जोकर नेकलेस की तरह बहुत ही अच्छा लग रहा है. मुझे ये बहुत पसंद है. मुझे इसकी और एक बात अच्छी लगी, जब भी नेकलेस कुछ भी ऑर्डर करते हो तो आपको नेकलेस तो अच्छा मिल जाता है लेकिन उसका इयररिंग्स आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता. आप सब लोग मेरे से एग्री करोगे इस बात पे, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन पहले बहुत सारी ज्वेलरी मैंने परचेज किया है, उसका नेकलेस अच्छा आता है लेकिन उसका इयररिंग्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता. लेकिन इसका इयररिंग्स आप देख लो कितना सुंदर है. देखो का इयररिंग्स उनके पास आप इसको रखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा. तो मुझे इयररिंग्स एंड उसका नेकलेस दोनों ही बहुत पसंद आए और मैंने ये पहन के एक फ़ोटोशूट भी किया है. मैं आपको हो सके तो साइड में एक फ़ोटो भी इसका डाल दूंगी, अगर उसमें ज्वेलरी मतलब ये नेकलेस अच्छा आएगा तो मैं ज़रूर डाल दूंगी वो फ़ोटो. ओके, अब सेकेंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ दुपट्टा. दुपट्टा कुछ दिन पहले मैंने खुद के लिए एक दुपट्टा ऑर्डर किया था, वो मैंने मेरे एक वीडियो में शेयर किया था. इसी तरह का मेरे फ्रेंड के लिए भी मैंने ऑर्डर किया है और इसको खोला नहीं है अब तक, आपके सामने ही खोल रही हूँ. ये बनारसी दुपट्टा है. बनारसी मतलब आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने कम दाम में आपको ओरिजिनल बनारसी दुपट्टा मिल जाए, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा है. आप इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ कर सकते हो. को खोल के दिखाती हूँ. और हाँ, मैंने प्राइस बताना मैं आपको भूल गई उस नेकलेस का, तो मैं प्राइस आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है. तो ये एक रानी कलर का बनारसी दुपट्टा है, बहुत ही अच्छा है. विड्थ है जो कि बहुत ही चौड़ा है एंड लंबाई भी इसका बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मेरे लिए मैं जो पहले दुपट्टा मैंने ऑर्डर किया था ना, वो मेरा हाइट लगभग 5 फीट 2 इंच के करीब है और वो नीचे लग रहा है. मतलब वन साइड अगर मैं उसको डालूंगी तो वो नीचे जा रहा है, तो बहुत ही लंबाई. इस हिसाब से मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि इसका लंबाई एंड चौड़ाई बहुत ही बढ़िया है. और ये रानी कलर का बिल्कुल है, बहुत ही अच्छा लगता है. ये देखो, अच्छा दिख रहा है ना. नीचे की तरफ इसका आप वर्क देख लो पहले, ऐसा है. एंड ये टेसल्स भी दिए हैं, ये देखो, एंड ये टेसल्स भी दिए हैं, तो इसीलिए ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया. पास से इसका डिज़ाइन आप देखो कितना प्रिटी है ना. पूरे बॉडी में ये डिज़ाइन है,
सेम डिजाइन का मैंने एक मैरून एंड रेड मिक्स कलर का भी मैंने ऑर्डर किया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो मैरून कलर का, तो ये भी पूरा सेम ही है डिज़ाइन एंड 3 इंच इसका पूरा सेम है, सिर्फ कलर में फ़र्क है। और मैं इसी कलर का मैंने पहले ऑर्डर किया था। अभी डिज़ाइन आप देख लो कितना अच्छा है, इसमें भी उसी तरह का टेसल्स है और ये पूरे बॉडी में ऐसा ऐसा प्रिंट है, प्रिंट नहीं है एक्चुअली, ये उसका वर्क है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ऐसा है, तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होने वाला। ये देख लो, ये अंदर की तरफ उसका वर्क है एंड ये बाहर की तरफ उसका वर्क है। और कपड़ा इसका बहुत ही स्मूथ है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, बहुत ही स्मूथ है। और ये बॉडी में डालने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। साइड में फोटो ज़रूर इंसर्ट करूँगी ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, इसको भी मैंने खोल दिया है क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए। ये एक जेल आईलाइनर है, जेल आईलाइनर आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको काजल यूज़ कर सकते हो, ब्राउन कलर का है। मैं इसको यूज़ करूँगी एज ए आईब्रो, मैंने इसको यूज़ भी कर लिया है, मतलब आज ही आया है ये और इसको मैंने खोल दिया और एक बार मैंने इसको यूज़ करके भी देख लिया ताकि मैं आपके साथ जब इसका रिव्यू शेयर करूँ तो मैं अच्छे से बता पाऊँ ना कि इसका ये अच्छा है या नहीं है। हिलारी रोडा का आईलाइनर है, जेल आईलाइनर है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है इसका। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये इसका बॉक्स है, उसके अंदर आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। उसका एप्लीकेटर है, ब्रश एंड ये है वो जेल आईलाइनर। बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है इसका, देख लो इसके अंदर ये है। इसका एप्लीकेटर भी बहुत ही पतला है, मतलब अच्छे से लग जाएगा। मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ, यहाँ से मैंने लिया और यहाँ पर अप्लाई किया। ये देखो, तो मैं आईब्रो में भी मैंने अप्लाई किया था बहुत टाइम पहले। ऐसे अगर मैं कुछ भी पेंसिल आईब्रो यूज़ करती हूँ तो वो बहुत कम टाइम में अगर ऐसे पोंछ देती हूँ तो वो चला जाता है, लेकिन ये नहीं जाता है। मैंने आईब्रो में इसको अप्लाई किया है, अब मैं उंगली में आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, देखो नहीं आया ना। ये मुझे बहुत पसंद आया इसलिए, और इसको मैं आईब्रो में अप्लाई करने वाली हूँ। कभी कभी मैं ऐसे आईलाइनर भी लगा लूँगी। इसके साथ एक फ्री गिफ्ट भी मुझे मिला है, कहाँ गया पैकेट। इसके साथ मुझे ये मुल्तानी मिट्टी का पैकेट फ्री मिला है, थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी है, तो इसको मैं अपने फेस में ज़रूर अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरा स्किन बहुत ऑयली है एंड मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये सारे प्रोडक्ट्स मीशो के थे, अब मैं आपको दिखाऊंगी फ्लिपकार्ट का एक प्रोडक्ट। मेरी सिस्टर ने परचेज किया था एक वॉल स्टिकर, ये देखो ये वॉल स्टिकर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लगभग आप हर किसी के घर में ये वॉल स्टिकर देखोगे। ये रहा वो वॉल स्टिकर, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्राइस में सब चीज़ों का प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन करूँगी एंड मीशो का जो जो भी प्रोडक्ट है उसका कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये थे सारे प्रोडक्ट्स जिसका हॉल मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ इसमें से पसंद आया है तो आप डेफिनेटली उसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया ना, कुछ भी खराब क्वालिटी का नहीं है, बहुत अच्छा है। वो दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी के वाइज अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा है। एंड वो जो जेल आईलाइनर मैंने आपको दिखाया वो भी बहुत अच्छा है, एंड वो नेकलेस वो तो बहुत ही अच्छा है, जो वॉल स्टिकर भी अच्छा है। वॉल स्टिकर फ्लिपकार्ट से परचेज किया गया है, मैं आपको दोबारा बोल देती हूँ, ये मीशो से नहीं है, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।